एनएसआई आई यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। इस चैनल का हर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब में क्लिक करें। इस वीडियो में यहां दिया हुआ साइज में फोटो एंड सिग्नेचर दोनों बना के दिखाएंगे। तो पासपोर्ट साइज फोटो का मेमोरी साइज 35 KB से कम होना चाहिए और फोटो हाइट 250 एंड 320 के बीच में होना चाहिए और वाइट 150 एंड 220 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। फिर सिग्नेचर का मेमोरी साइज 30 KB से कम होना चाहिए और हाइट 100 एंड 180 पिक्सल के बीच में होना चाहिए और वाइट 150 एंड 220 के बीच में होना चाहिए। तो चलिए पहले सिग्नेचर को बना के दिखाते हैं। इस फोल्डर में मेरा स्कैन किया हुआ फाइल रखा है, इसे फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक ऑन द फाइल, ओपन विथ, क्लिक ऑन फोटोशॉप। इस फाइल में देख सकते हैं फोटो एंड सिग्नेचर दोनों एक ही फाइल में स्कैन किया हुआ है। तो इस फाइल का पहले डुप्लीकेट कॉपी बनाना है ताकि ओरिजिनल फाइल खराब ना हो। सो राइट क्लिक ऑन टाइटल बार, क्लिक ऑन डुप्लीकेट, क्लिक ओके। अब ओरिजिनल फाइल को हटा सकते हैं। नेक्स्ट फाइल को स्क्रीन के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और थोड़ा जूम भी कर लेते हैं। ओके, नाउ क्लिक ऑन क्रॉप टूल। यहाँ वाइट वैल्यू देना है तो वाइट वैल्यू क्या होगा यहाँ देख लेते हैं। तो सिग्नेचर का वाइट 150 पिक्सल एंड 220 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम वाइट वैल्यू से 1-2 पिक्सल कम वैल्यू देना है, यानी कि 220 पिक्सल से 1-2 पिक्सल कम देना है। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए 220 पिक्सल ही दूंगा। फिर हाइट वैल्यू मिनिमम हाइट से 1-2 पिक्सल ज्यादा देना है। ओके, तो इसे मिनिमाइज कर देते हैं। नाउ एंटर वाइट वैल्यू 220 स्पेस देके PX, फिर हाइट 100 स्पेस देके PX, रिजोल्यूशन में 300 होगा। ओके, अभी क्रॉप टूल से यहाँ क्रॉप करना है, सिग्नेचर के ऊपर क्रॉप करना है, एरिया सिलेक्ट करना है। बीच में क्लिक करके अभी सिलेक्शन को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं सिग्नेचर के साथ। ओके, जब हो जाएगा तो ब्राइट सिंबल में क्लिक करना है। ठीक है, हो गया। अभी सेव करना है फाइल, सेव एस। यहाँ फॉर्मेट में फाइल टाइप JPEG रखना है और फाइल नेम इसे हटा देते हैं, कोई भी नाम देने से चलेगा, मैं साइन रख देता हूँ। डॉट के आगे सेंस करना है और इसे डेस्कटॉप में सेव करना है। मेरा स्कैन फाइल फोल्डर जो है इसमें सेव कर लेते हैं, सेव में क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ क्वालिटी वैल्यू ज़्यादा देने से फाइल का मेमोरी साइज ज़्यादा हो जाएगा और कम रखने से कम हो जाएगा, तो मैं 20 में रख देता हूँ। ओके, तो हमारा ये सिग्नेचर क्रिएट हो गया। तो इसका मेमोरी साइज देख लेते हैं कितना हुआ है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाना है, ये 13 KB हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम पासपोर्ट साइज फोटो को रिसाइज करेंगे। तो स्कैन फाइल को ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप में। राइट क्लिक, ओपन विथ फोटोशॉप, ये फोटोशॉप में ओपन हो गया, इसे हटा देते हैं। अब स्कैन फाइल को डुप्लीकेट करना है। राइट क्लिक ऑन टाइटल बार, क्लिक ऑन डुप्लीकेट, ओके। अब ओरिजिनल फाइल को हटा देते हैं। अभी इसे एडजस्ट करना है स्क्रीन में, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्रॉप टूल का वैल्यू क्लियर करना है। सो क्लिक ऑन क्लियर। अब फोटो को क्रॉप करना है, सो सिलेक्ट द फोटो। ठीक है, जब हो जाएगा तो राइट सिंबल में क्लिक करना है, क्लिक, ये फोटो क्रॉप हो गया। नेक्स्ट राइट क्लिक ऑन टाइटल बार, क्लिक ऑन इमेज साइज। अब यहाँ हमारा जरूरत के हिसाब से साइज को चेंज करेंगे। तो कैसे साइज को चेंज करते हैं देख लीजिए। यहाँ देखिए हमारा फोटोग्राफ का वाइट वैल्यू 150 से 220 पिक्सल के बीच में होना चाहिए, यानी कि फोटो का वाइट वैल्यू 220 पिक्सल से 1-2 पिक्सल कम रखने से ठीक है, हमारा बनाया हुआ सिग्नेचर के साथ एडजस्ट होगा। तो यहाँ हम सिर्फ वाइट वैल्यू एंटर करेंगे, हाइट वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं वाइट वैल्यू 220 देने के साथ साथ हाइट वैल्यू अपने आप 280 हो गया। ध्यान रहे, हाइट वैल्यू अपने आप चेंज होने के लिए यहाँ कांस्टेंट प्रोपोर्शन टिक होना चाहिए। फिर एक बार देख लीजिए हाइट वैल्यू यहाँ दिया हुआ साइज के हिसाब से है कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं हाइट वैल्यू 250 से 320 पिक्सल के बीच में होना चाहिए और हमारा हाइट वैल्यू हुआ है 280 पिक्सल, यानी कि ठीक है। नेक्स्ट क्लिक ओके एंड सेव द फाइल। गो टू फाइल मेनू, क्लिक ऑन सेव एस। यहाँ फाइल नेम देना है, डॉट के आगे ये हटा देते हैं और फोटो कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं फोटो दे देता हूँ। फॉर्मेट में JPEG होना चाहिए। इसके बाद सेव में क्लिक करना है, स्कैन फाइल फोल्डर में सेव हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वालिटी ज़्यादा देने से मेमोरी साइज ज़्यादा हो जाएगा, कम देने से कम होगा, तो मैं मीडियम रखा, सेव हो गया।
अभी देखिए इसका मेमोरी साइज कितना हुआ है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, 20 GB हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एन स्काई आई।